हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग जो है अच्छे होंगे। तो मैं रवि बताया पश्चिम बंगाल से। दोस्तों आज बात करेंगे फॉरेक्स रोबो ट्रेडिंग के बारे में। लास्ट कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ कुछ $500 का अकाउंट शो किया था, ठीक है, जो कि क्लाइंट्स का था बेसिकली। और उसके बाद जो है मैंने आप लोगों को कुछ 18-20 अकाउंट जो है 1000 का शो किया था। और आज जो है लगभग 8 से 10 अकाउंट लगभग लगभग जो है $10,000 का कुछ अकाउंट्स मैं दोस्तों आप लोगों के साथ शो करूंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को लेट ना करती हूँ, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम लोग जो है रोबो ट्रेडिंग सर्विस जो है स्टार्ट किए हैं लगभग लगभग 6 महीने से, और लाजवाब बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट जो है दोस्तों लोगों को मिला है। काफ़ी मैसेज आता है रेगुलर बेस के ऊपर, अप्रिशिएट करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल फील होता है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने हमारे साथ हमारे ऊपर ट्रस्ट करके जो है अपना रोबो को यूज़ कर रहे हैं और डेली बेसिस के ऊपर कुछ ना कुछ रेवेन्यू जो है दोस्तों जनरेट कर रहे हैं। और इसलिए भी दोस्तों आपने देखे होंगे, क्योंकि मैं बहुत सारा प्रोग्राम करता था प्रीवियस, अगर 1, 2, 3, 4 साल, 5 साल से आप मेरे को फॉलो कर रहे हो, तो मैं अभी वो सब काम छोड़ चुका हूँ, ऑनलाइन के बारे में बात कर रहा हूँ। और पूरा का पूरा फोकस जो है अभी लास्ट 5-6 महीने से जो है रोबो ट्रेडिंग के ऊपर ही है, क्योंकि यहाँ पे पैसिवली इनकम बनता है। अगर आप अच्छे से हमारा एडवाइस जो हम लोग बोलते हैं कि ये करो वो ना करो, अगर आप फॉलो करते हो और रोबो को रोबो का काम करने देते हो, और मार्केट में थोड़ा बहुत जो है आप नज़र रखते हो क्या मार्केट में क्या न्यूज़ चल रहा है, कब जो है रोबो को ऑफ रखना है, कब जो है रोबो को ऑन रखना है, तो ये सब अगर छोटा छोटा स्टेप आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली 99.9% चांस है कि आप यहाँ पे दोस्तों इनकम करोगे ही करोगे। काफ़ी लोग ये भी मैसेज करते हैं कि सर अगर मैं न्यूज़ को देखूँ, अगर 10 दिन के बाद कुछ न्यूज़ है तो मैं क्यों उस न्यूज़ के टाइम पे बंद रखूँ, तो रोबो का फ़ायदा ही क्या है। दोस्तों सिंपल से मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप कहीं पर भी ऑफलाइन हो या ऑनलाइन पे हो, चाहे आप 10 रुपया हो या 10 लाख रुपया हो या 5000 रुपया, जो भी अमाउंट कहीं पे भी आप निवेश करते हो, बिजनेस में लगाते हो, तो आपका वो बिजनेस देखना, आपको वो फॉलो अप करना जहाँ पे आपने निवेश किया है वो आपका काम है। आप ये नहीं कर सकते हो कि आपने इन्वेस्टमेंट तो कर दिया अच्छा खासा, लेकिन आप वहाँ पे ध्यान नहीं रखेंगे। अगर आप फिजिकली या वर्चुअली उस पर आपका बिजनेस पे ध्यान नहीं रखेंगे तो डेफिनेटली वो बिजनेस चलने वाला है नहीं। तो यहाँ पे भी वही रूल लागू होता है कि आपका इन्वेस्टमेंट जहाँ पे आपने किया है, ठीक है, उसको दिन में 1-2 बार देखना ज़रूरी है, और न्यूज़ क्या चल रहा है वो भी आपको देखना ज़रूरी है, ठीक है। दोस्तों रोबो क्या होता है, रोबो जो है एक स्ट्रेटेजी है कि यहाँ पे बाय करो यहाँ पे सेल करो, ये एक स्ट्रेटेजी है जो कि आप लोगों को हम जो है सेल करते हैं, ना आपको हम कभी प्रॉमिस करते हैं कि आपको 100% प्रॉफिट होगा, ना हम आपको जो है लॉस का एश्योरेंस देते हैं, ठीक है। हम सिर्फ और सिर्फ अपना रोबो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और आप कैसे रोबो को बाय करते हो, डेफिनेटली मैं आपके साथ कुछ अकाउंट शो करता हूँ जो कि पर्सनल मेरा होता है, वो आप देखते हो, आपको वो स्ट्रेटेजी अच्छा लगता है, आपको वो इनकम जो है सेटिस्फाइड करता है, और आप रिस्क को समझते हो, और उसके बाद ही आप हमारे साथ जो है कॉन्टैक्ट में आते हो, और आपका इच्छा अनुसार जो है आप हमसे जो है रोबो परचेज करते हो। तो चलिए दोस्तों लेट ना करते हैं और भी बात करेंगे, चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। तो चलिए दोस्तों मैं आ गया अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। ये जो पहला आईडी आप देख रहे हो ये जो है दोस्तों मेरा अकाउंट है, ठीक है। तो मेरा अकाउंट से ही मैं जो है आज स्टार्ट करता हूँ। ये आप देख सकते हो जो है $10,000 का अकाउंट है, और यहाँ पे हम हिस्ट्री में जाएंगे, आज का रेट का अभी तक का प्रॉफिट देखेंगे दोस्तों कितना हुआ है। सॉरी ये वीकली दिखा रहा है, ठीक है, $26। तो आपको लगेगा बहुत कम, ठीक है, कभी कम कभी ज़्यादा होता है, एवरेज आपको ध्यान रखना पड़ता है कि एवरेज महीने का कितना रिटर्न हो रहा है। तो बड़ा अकाउंट में स्पेशली इनकम जो है छोटा ही रहता है, क्योंकि आपको अकाउंट सेफ भी रखना चाहिए, ठीक है। तो मंथली में अगर हम लोग कैलकुलेशन करें, ठीक है, हम ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, और पेयर कौन कौन सा चल रहा है देखिए, AUD USD, यूरो USD, मतलब गोल्ड, ठीक है, गोल्ड पे चल रहा है। तो महीने के अगर हम लोग कैलकुलेट करें, आज है 22 तारीख, तो देख लेते हैं यहाँ पे महीने का कितना जेनरेट हुआ है। तो महीने का आप देख सकते हो $1385, मतलब लगभग लगभग $1400 जो है एक महीने में, आप देख सकते हो एक महीने का ये पूरा का पूरा हिसाब किताब है, लगभग जो है 14%। तो 14% काफ़ी होता है, एनफ होता है, तो जो कि आप देख रहे हो कि ये जो है रोबोट चल रहा है, ये मेरा खुद का अकाउंट है, और कुछ महीने से लगभग 4-5 महीने से ये अकाउंट जो है रनिंग है, ठीक है।
तो चलिए और एक फटाफट जो है मैं अकाउंट आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये अकाउंट पे आप थोड़ा सा नज़र डालिएगा, और सारा का सारा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जो लोग ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इवन जो लोग रोबो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, तो सारा का सारा कुछ आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं कुछ ऐसा हाइड करके आपके साथ शेयर नहीं करता, ठीक है। मैं सब कुछ ओपन दिखा, तो जो भी मेरा अकाउंट है वो लगभग लगभग 80-90% लोगों के पास है। ऑलरेडी हमारा जो सब्सक्राइबर है, मतलब ऑलरेडी जो है हमारा, हमसे जो है रोबो परचेज किए हो मिनिमम ये 5 महीने या 6 महीने के अंदर 1000+ हो चुका है, और काफ़ी अच्छा जो है माउथ टू माउथ जो है हमारा रोबो प्रमोट हो रहा है, क्योंकि मैं वीडियो काफ़ी मतलब बहुत लेट लेट डाल रहा हूँ, देख रहे हो 10-12-15 दिन के बाद, क्योंकि मेरा कुछ ऑफलाइन का बिजनेस है जो कि आप लोग जो पुराने हो वो लोग जानते ही होंगे, तो इसलिए मैं वीडियो कंटेंट ज़्यादा नहीं बना पा रहा हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो $10,000 ये भी अकाउंट है, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे जो है मेरा रोबोट चल रहा है, देखिए यहाँ पे मैनुअल ट्रेडिंग चल रहा है, यहाँ पे मैनुअल ट्रेडिंग, यहाँ पे मैनुअल ट्रेडिंग, यहाँ पे मैनुअल ट्रेडिंग, यहाँ पे मैनुअल ट्रेडिंग, यहाँ पे सारा का सारा मैनुअल ट्रेडिंग ही चल रहा है, ठीक है। तो मेरा मुझसे $200 में बोट परचेज किए हैं, लेकिन यहाँ पे मैनुअल ट्रेडिंग चल रहा है, तो मेरे को ये समझ में नहीं आता कि सर आप क्यों जो है रोबो से मतलब क्यों पे कर रहे हो फिर। अगर आपको सिर्फ ट्रेड ही करना है तो आप जाके कर सकते हो अपना अलग से अकाउंट के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे $1162 का जो लॉस चल रहा है 0.10 लॉट के ऊपर, और टोटल $1200 का लॉस चल रहा है यहाँ पे, तो इसका कोई सेंस ही नहीं बनता। तो इसको मैं नहीं दिखाऊंगा इसका क्या इनकम ये वगैरह वगैरह है, लेकिन मैं इसीलिए आपको ये अकाउंट शो किया हूँ ताकि आप ये चीज़ आप गार्ड बांध दो। अगर आप रोबो से करवाते हो ना, सिर्फ और सिर्फ रोबो के ऊपर ही आप छोड़ दो, ठीक है, जो मेरा इंस्ट्रक्शन है सारा का सारा कुछ, ठीक है। और एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ दोस्तों, अभी ये जो फरवरी मंथ चल रहा है, फरवरी मंथ में हम लोग क्या कर रहे हैं कि फरवरी मंथ तक एंड तक, ठीक है, 28 तक जो हमारा रोबो का प्राइस था अभी शुरू से लेकर अभी तक जो $200 ही था, लेकिन अभी से क्या है नेक्स्ट महीने से मतलब मार्च से जो है हम लोग जो है अपना रोबो का प्राइस इंक्रीज किया है, मतलब $200 से $300 तक जो है अभी हमसे कोई अगर रोबो परचेस करेगा $300 आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग को जो है इंक्रीज किए, मैक्सिमम बाजार पे आप देखेंगे ये ऑफर वो ऑफर, हमारे यहाँ पे कोई भी कुछ भी ऑफर नहीं है, ठीक है। चाहे आप एक लो, चाहे 10 लो, चाहे 50 लो, चाहे 100 लो, प्राइस उतना ही है, ठीक है, क्योंकि हमारा रोबोट के ऊपर हमारा भरोसा है, लोगों को अर्न कर रहा है, अर्न करके दे रहा है। तो यहाँ पे एक अकाउंट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है यहाँ पे $10,000 का अकाउंट दोस्तों आप जैसे कि देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे NZD JPY एंड गोल्ड के ऊपर प्यार चल रहा है, ये आप देख सकते हो। आज का प्रॉफिट हम लोग देखेंगे $34। आपको लग सकता है कि बहुत कम है, हाँ जी, कभी कम कभी ज़्यादा। काफ़ी सारे लोगों का मैसेज आता है कि सर डेली का परसेंटेज कितना होता है फॉरेक्स में, या जो भी जेन्युइन चीज़ है, ठीक है, जहाँ पे जनरेशन है ना कि रोटेशन है, तो वहाँ पे आपका फिक्स इनकम बोल के कुछ नहीं होता है, मार्केट के ऊपर है यहाँ पे टोटली। कहीं महीने कम कहीं महीने ज़्यादा, हमने देखा है 10-15% के ऊपर ही आ जाता है। आप अगर लास्ट वीडियो देखे होंगे या लगातार हमारा वीडियो देखते आएंगे तो आपको पता है 10-20-30-40-50% तक रिटर्न आ चुका है। लेकिन अगर आपका अकाउंट साइज बड़ा है तो 10-15% पकड़ के चलिए, छोटा अकाउंट में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देखने के लिए मिलता है, ठीक है। उसी हिसाब से हम लोग सेटिंग करके चलते हैं। तो महीने का कैलकुलेशन हम लोग करेंगे यहाँ पे, और January 22 से लेके February 23 तारीख है आज, ठीक है। यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो $1000 का टोटल प्रॉफिट आया है एक महीने के अंदर। दैट मीन सीधा हिसाब किताब के जो है 10% का ROI जो है जनरेट हुआ है। और ये अकाउंट पुराना नहीं है, ये अकाउंट भी पुराना अकाउंट ही है, ठीक है। तो चलिए कोई और एक अकाउंट देख लेते हैं, तो चलिए यहाँ पे और एक अकाउंट हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, फटाफट देखने गए तो, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है दोस्तों, ये इतना ईजी नहीं है, ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो $7,000 का ये अकाउंट है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कौन कौन सा पेयर चल रहा है, AUD USD और गोल्ड चल रहा है NZD JPY। दोस्तों एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, $5,000 के नीचे हम लोग गोल्ड सजेस्ट नहीं करते, ना ही लगाते। काफ़ी सारे लोग लगाते हैं अपने हिसाब से, हम किसी को नहीं रोक सकते क्योंकि, लेकिन हम सजेस्ट तो करते ही हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे मैंने कांड देखा है मार्केट पे कि $2,000, $500 या $400 के ऊपर गोल्ड लगाते हैं।
और स्क्रीनशॉट वगैरह दिखाते हैं लोगों को, वो अकाउंट रहता ही नहीं है कभी भी। अगर 400-500 हज़ार डॉलर से हम तो सजेस्ट ही नहीं करते, उससे अच्छा ना लगा वो 1000 डॉलर से आप कहीं पे जाके कोई पार्टी वार्टी करो या कुछ भी सामान खरीदो, वो आपका बहुत काम में आएगा। 5000 डॉलर के नीचे हम लोग गोल्ड सजेस्ट नहीं करते। मेरा अकाउंट पर भी आप लोग देखे होंगे तो ठीक है, तो यहाँ पर 7000 है इसलिए गोल्ड लगा हुआ है। और आज का देखते हैं 32 डॉलर, आज मार्केट में ज़्यादा मूवमेंट नहीं है अभी तक, तो इसलिए 32 डॉलर का आज का डेट का प्रॉफिट हुआ है। अगर हम महीने का इसको कैलकुलेट करेंगे सेम तरीके से एक महीने को, तो हम देख सकेंगे यहां पे भी 1136 डॉलर का प्रॉफिट है, मतलब 11% का इस महीने का लास्ट, मतलब ये जो रनिंग महीना चल रहा है उसमें दोस्तों प्रॉफिट हुआ है। और ये आप देख सकते हो डेप्टिव लोगो, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है ना, बड़े अकाउंट पे थोड़ा सा रिस्क मैनेज करना पड़ता है ज्यादातर, ठीक है। बाकी सारा अकाउंट जो है हमारा बेहतरीन चल रहा है, बहुत लोग जो है यहां पे खुश हैं। दोस्तों चलिए देखते हैं और एक अकाउंट यहां पे हम लोग जो है देखते हैं, और ये अकाउंट का साइज़ क्या है। दोस्तों 10000 डॉलर का तो बहुत सारा अकाउंट है हमारे पास, लेकिन कुछ अकाउंट्स ही दिखाएंगे, अच्छा खराब बुरा जो भी है, ठीक है। कुल मिला के एवरेज दिखाएंगे आपको। ये भी आप देख सकते हो कि 8000 डॉलर का अकाउंट है, और यहाँ पे कौन कौन सा यूरो यूएसडी चल रहा है और गोल्ड चल रहा है, और बस वही चल रहा है, दो एक प्यारी चल रहा है यहाँ पे। आज का प्रॉफिट आप देख सकते हो 502 डॉलर का प्रॉफिट, दैट मीन्स ये तो ह्यूज लग रहा है मुझे, और मुझे लग रहा है कि ये मैनुअल ट्रेड भी होगा इसमें से। देखिए ये अकाउंट भी ऐसा नहीं है कि आप मैनुअल ट्रेड नहीं कर सकते, मैनुअल ट्रेड आप अपने अकाउंट से कीजिए, अलग अकाउंट से कीजिए तो सबसे बेहतर रहता है। मैं इसका कारण आपको समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 500 डॉलर डेली का, मतलब ये कम नहीं है, लेकिन ज़्यादातर केस में देखा गया है अगर आप रोबो के साथ, अगर आप खुद से भी सेल्फ ट्रेड करते हो, ठीक है, तो वो जो है रोबो कन्फ्यूज़ हो जाता है, ठीक है, और रोबो जो है अपना डिसीजन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप बाइंग कर रहे हो एक एक, क्योंकि रोबो जब बाई करता है उनका एक रेंज रहता है, उसी के रेंज के अंदर वो बाइंग और सेल करके वो प्रॉफिट बुक करके निकलता है। लेकिन जब आप सेल्फ ट्रेड करते हो तो रोबो जो है ट्रेड नहीं कर पाएगा उस हिसाब से जिस हिसाब से उसको करना चाहिए। तो अकाउंट तो बेहतर चल रहा है, ये अकाउंट देख सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में मेरे को दिक्कत है, मेरे को दिक्कत लगता है, ठीक है। तो फिर भी इस अकाउंट में हम लोग देख लेते हैं क्या कितना क्या प्रॉफिट जनरेट हुआ है जनवरी से, ठीक है। मैं सब कुछ दिखा रहा हूँ, मैं कभी हाइड नहीं करता। देखिए ये अकाउंट जो है 4400 डॉलर का प्रॉफिट है, ठीक है। जो भी ट्रेडर है अच्छे ही होंगे, मैं ख़राब नहीं कहूँगा। 4000 डॉलर मतलब 45% मामूली बात नहीं है गोल्ड के ऊपर, ठीक है। काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन होंगे जो भी होंगे, लेकिन प्रॉब्लम है कि एक्सपीरियंस जो है सबके पास नहीं होता है, और एक्सपीरियंस आता है बैड एक्सपीरियंस है, जैसे आपने सुना ही होगा। तो बैड एक्सपीरियंस का अगर आप टेंशन छोड़ के अगर आप ले सकते हो, बैड एक्सपीरियंस मतलब कितना कि आपने बहुत हज़ारों डॉलर उड़ाया है उसके ऊपर कोई सीख के आप ट्रेड कर रहे हो तो ठीक है, ठीक है, कुछ ना कुछ सीख के किया। लेकिन आप अगर मतलब ऐसे ही आ जाएंगे, चलो भाई ये गिरेगा तब मैं लूंगा, ऐसे ऐसे एवरेज करते रहेंगे, तो फिर आप 99% चांसेस है कि आप लूज ही करेंगे। तो डेफिनेटली ये अकाउंट बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन हमारे लोगों में कितना उनको प्रॉफिट दिया या वो मैं कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा, तो चलिए टाइम हम ले ही लेंगे आपसे ज़्यादा। दूसरा अकाउंट पर जाते हैं ना, तीसरा या चौथा अकाउंट पर जाते हैं। चलिए और एक अकाउंट पे यहाँ पे जाते हैं, ये अकाउंट का साइज़ देख लेते हैं पहले। ये दोस्तों 10000 डॉलर का ही मैं मानूंगा, क्योंकि शायद इन्होंने अपना प्रॉफिट विड्रॉल नहीं किए होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो एवीडी यूएसडी लगा हुआ है, यूरो जीबीबी और गोल्ड ही लगा है, तीन ही पीआर चल रहा है। और आज का प्रॉफिट देख सकते हो 25 डॉलर, ठीक है। तो 25 डॉलर लगा हुआ है, तो दैट मीन्स ये एवरेज जितना आप आज का देख रहे हो 10000 डॉलर के आसपास का अकाउंट 25 ही देख रहे हो, दैट मीन्स ये 100% जो है रोबो से ही ट्रेडिंग हो रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे देख भी सकते हो, कस्टम में जाएंगे एवरेज एक ले लेते हैं यहाँ पे जनवरी से लेके फरवरी तक कितना क्या है, 718 डॉलर, ठीक है। 718 डॉलर मतलब महीने का 7% जो है प्रॉफिट निकाल के आया है, ठीक है। मार्केट में क्या होता है कि सर मार्केट में लोग अनएक्सपेक्टेड थॉट लेके आते हैं कि यहाँ पे 10000 डॉलर डालेंगे या 5000 डॉलर डालेंगे और लाखों लाखों डॉलर का इनकम करेंगे। ऐसा हमारे बोर्ड में तो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे उतना ही 10-15% 20% इतना तक आपको आएगा, ठीक है। मैनुअल ट्रेड से आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मैनुअल तो मैनुअल ही है, आपको फॉलो करना पड़ेगा, आपको हर एक टाइम ऑनलाइन रहना पड़ेगा, मार्केट में क्या न्यूज़ है उसको देखना पड़ेगा, आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस काफ़ी सारा होना चाहिए। और जिन लोगों के पास ये नहीं है वो लोग ही जो है स्पेशली रोबो को प्रेफर करते हैं,
क्योंकि उन लोगों के पास ना टाइम होता है ना उतना ज्ञान होता है। ठीक है, सिंपल सा है भाई, बोर्ड में लगा दिया पैसा और बोर्ड जो है अपने आप जो है बाई सेल करता है। तो ये भी जो है अकाउंट में इसको ख़राब नहीं मानूंगा, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट महीने इससे भी ज़्यादा प्रॉफिट दे के आपको एक एवरेज जो है मंथली रिटर्न ये रोबो आपको दे। ठीक है, और फ्लोटिंग भी देख सकते हो $56, तो फ्लोटिंग इतना तो सर मामूली सी बात है। $10,000 के ऊपर, $10,000 के ऊपर 10% मतलब होता है $1,000, 20% होता है $2,000, तो 10 to 20% फ्लोटिंग तो नॉर्मल बात है, और यहाँ पे $56 का फ्लोटिंग है, ये तो कुछ भी नहीं है। तो चलिए और एक अकाउंट देखते हैं दोस्तों, इस अकाउंट में कितना क्या साइज है हम लोग थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे। हाँ, यहाँ अकाउंट जो है दोस्तों $8,000 का अकाउंट है, $8,000 का अकाउंट है। यहाँ पे भी सेम AUD USD चल रहा है, CAD JPY ये हम कभी भी नहीं लगाते हैं, शायद इन्होंने इनको पता है तो इन्होंने खुद ही चूज़ किया होगा। तो लेकिन ट्रेड जो है देव ट्यूब से ही चल रहा है। ठीक है, NZD JPY और गोल्ड पे ट्रेड जो है चल रहा है। दोस्तों काफ़ी सारा मैसेज आता है कि मैं अपना रोबोट जो है बंद है तो इसको मैं कैसे देखूं, या रोबोट चल रहा है इसको मैं कैसे समझूं। तो मेरा प्लानिंग है कुछ दिनों के अंदर जो है आपको एक दो वीडियो मिलेगा जो कि बहुत ही ज़रूरी है आपको देखना। ठीक है, तो चलिए इसके ऊपर रिटर्न जो है हम लोग देख लेंगे। $34 का रिटर्न, आप देख रहे हो कि सारा का सारा अकाउंट का आज का रेट का प्रॉफिट जो है नॉमिनल है। मैंने आपको कोई भी ऐसा कोई डेट या ऐसा कोई चीज़ मतलब आपको दिखाने के लिए, जैसे होता है ना कि यहाँ पे डेली 50, 100, $150 भी बनता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं जो आज जो है आज बहुत नॉर्मल प्रॉफिट हुआ है और उसी से मैं आप लोगों को शो कर रहा हूँ, मतलब कोई भी ऐसा हवाबाजी नहीं है। ठीक है, कम से ही ठीक है, तो ज़्यादा मिलेगा तो लोग जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे महीने का कैलकुलेशन हम लोग एक बार फटाफट कर लेते हैं, जनवरी से लेके फरवरी तक। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कितना यहाँ पे $1,617 का प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो देवट्यूब रोबो ही चल रहा है। ठीक है, और ये टोटली रोबो से ही चल रहा है। ठीक है, 1600 मतलब 16% का महीने का ROI दोस्तों हमारे रोबो ने निकाला है, तो काफ़ी अच्छा 16% मतलब नॉट ए जोक। ठीक है, कुछ महीने के अंदर अंदर ही रिकवरी का चांस ज़्यादा होता है। तो चलिए और एक जो है अकाउंट को हम लोग देखते हैं, साहिल का अकाउंट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि $7,000 का दोस्तों ये अकाउंट है, $58। हर एक अकाउंट पे आप लोग देख सकते हो कि फ्लोटिंग कितना कम है। ठीक है, AUD USD के ऊपर लगा हुआ है, और CHF JPY ये हम लोग नहीं लगाते, ना ही सजेस्ट करते, पता नहीं, लेकिन ठीक है अगर आपको एक्सपीरियंस है आप लगा सकते हो अपने हिसाब से। पेयर करेंसी का सेटिंग्स और जो गोल्ड का सेटिंग मैं ऑलरेडी अपना टेलीग्राम चैनल के ऊपर दे चुका हूँ, और रेगुलरली टेलीग्राम चैनल के ऊपर कितना क्या प्रॉफिट हो रहा है वो सब स्क्रीनशॉट जो है रेगुलरली अपलोड होता है, मतलब हफ्ते में एक बार, और काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन भी मैं अपना टेलीग्राम चैनल के ऊपर देता हूँ। तो प्लीज़ ज्वाइन करने से पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको एक रफली आइडिया मिलेगा। और ये जो आप देख रहे हो इस महीने बहुत ही कम प्रॉफिट आपको दिख रहा है, 10-15% या 10-12%, इसका वजह भी है क्योंकि एक हफ्ता तो कम से कम, ये जो एक महीना में पकड़ रहा हूँ उसके अंदर एक हफ्ता तो मैक्सिमम लोगों का रोबो ही बंद था, क्योंकि हमने बताया था और न्यूज़ भी अच्छा था, और आपको पता है कि CPI का डाटा वगैरह वगैरह का काफ़ी सारा न्यूज़ था, इसलिए बंद रखना ही बेहतर रहता है बड़े न्यूज़ पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि कौन सा रोबो चल रहा है, यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं क्या देवट्यूब रोबो ही चल रहा है। आज का डॉलर, आज का जो प्रॉफिट हुआ है वो है $40, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे जनवरी से हम लोग देखेंगे कि कितना क्या $970 का प्रॉफिट हुआ है, लगभग 10% का ROI जो है हमारे रोबो ने जेनरेट किया है, तो कि काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, तो कभी कम कभी ज़्यादा मैंने कहा, और मैक्सिमम लोगों का रोबो बनता है, इवन मेरा भी बनता है अगर आपको पता है तो। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी बात है। तो चलिए देखते हैं और एक अकाउंट को, तो जसवाल जी का जो है एक अकाउंट हम लोग देखेंगे यहाँ पे। इनका अकाउंट का साइज़ भी आप देख सकते हो $10,000 का है, और यहाँ पे $280 का फ्लोटिंग चल रहा है, और फ्लोटिंग GBP AUD में है बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि 5% भी नहीं है, 2% 3% का फ्लोटिंग है, कोई बात नहीं, $10,000 के ऊपर इतना तो चलता है GBP AUD और XAU USD मतलब गोल्ड के ऊपर चल रहा है, सारा का सारा जो है ट्रेडिंग देवट्यूब के ऊपर चल रहा है। तो आज का प्रॉफिट हम देख सकते हैं $41 के आसपास हुआ है, और महीने का फिर हम कैलकुलेशन करेंगे तो एक रफ आइडिया आ जाएगा कि इसने कितना क्या जनरेट किया है। तो $1,680 का मतलब 17% का ROI जनरेट हुआ है सर, और ये महीना बहुत ही जो है ख़राब गया था,
काफ़ी मतलब टाइम रोबो बंद भी हुआ है और काफ़ी मार्केट फ्लैक्चुएट हुआ है और तो लोग डर भी गए थे। लेकिन हाँ, रोबो से अगर आप ट्रेडिंग करेंगे ना, थोड़ा सीना में आपको जिगरा होना चाहिए। तो लेकिन जिनका मैं इसीलिए हमेशा कहता हूँ कि लोन लेके, उधार लेके या बहुत ही इमरजेंसी फंड कभी भी कोई भी बिजनेस पे आप ना डालो, क्योंकि इन केस कुछ भी हो सकता है, मार्केट आपका नहीं है, मेरा भी नहीं है, तो कभी भी इन फ्यूचर ऐसा मतलब वन साइड मूवमेंट गया तो उस टाइम पे अगर आपका अकाउंट जीरो हो गया तो ये भी आपको सोच के आना है। अगर आपका अकाउंट साइज मतलब अगर आपका अकाउंट जीरो से आप बचना चाहते हो 80 या 90%, तो मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि देवट्यूब चैनल के ऊपर जाके आप देख सकते हो, वन साइड मार्केट मूवमेंट जब होता है तो आपको कैसे बचना है। ठीक है, सिंपल सी बात है, पैसा आपका है, इन्वेस्टमेंट आपका है, वहाँ पे 10-15 मिनट का एडुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ पैसा लगाएंगे और कोई दूसरा आपको सजेशन करेगा या दूसरा हमेशा आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम पे फ़ोन पे या मैसेज पे या जो भी है आपको फटाफट सपोर्ट करेगा, ये कभी नहीं होगा। थोड़ा सा आप जान लो, थोड़ा सा समझ लो, इससे जो है आप ही जो है आपके अंदर जो है एक स्ट्रांगनेस आएगा, इवन आप डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी अच्छा ही जो है इनकम दोस्तों जनरेट हुआ है। दोस्तों, और एक अकाउंट दिखा के मैं ऑफ रखता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और काफ़ी लोग मैसेज कर रहे थे, सर 20,000 का अकाउंट भी आप दिखाओ, जो कि मेरा खुद का है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा अकाउंट है ये, और मैं इसको यहाँ से दिखाऊँ तो आप देख सकते हो AUD USD यूरो GBP और NZD JPY। तो काफ़ी लोग मैसेज कर रहे थे कि सर गोल्ड क्यों नहीं लगाया, इतना बड़ा अकाउंट है। तो सर गोल्ड इसलिए नहीं लगा पाए क्योंकि मैं था बाहर और मेरा चल रहा था थोड़ा प्रॉब्लम, काम में बिजी था, और कुछ अकाउंट जो होता है मैं ही देखता हूँ, मेरे हिसाब से मैं चलाता हूँ, तो इसलिए शायद इस अकाउंट में कल या आज से जो है गोल्ड लगना स्टार्ट होगा। ठीक है, और एक हफ्ता मैंने बंद भी रखा था जैसे कि आप लोग सभी लोगों को पता है, तो इसका रिजल्ट देख लेते हैं कितना क्या है, ये भी आपको देखना चाहिए। आज का प्रॉफिट जो है $5 देख सकते हो, काफ़ी लोग तो अभी मतलब इतना कम प्रॉफिट आएगा इतना बड़ा अमाउंट के ऊपर तो गाली देना भी स्टार्ट करेंगे, क्या सर क्या बेकार की रोबोट। नहीं, ऐसा नहीं होता, लॉन्ग टर्म विजन के साथ आपको आना है मार्केट में। क्या है, किसी दिन कम किसी दिन ज़्यादा, अकाउंट तो ठीक ठाक है ना, $20,000। और मैं एक चीज़ बताऊँ जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था एक टाइम पे, कुछ दिन पहले मैंने आपको टेलीग्राम पे एक स्क्रीनशॉट दिया था जबकि मार्केट में बहुत ज़्यादा गोल्ड का मूवमेंट हुआ, और ये अकाउंट आप देख सकते हो शायद $5,000 तक, 5,000 या $6,000 तक जो है माइनस में गया था, मतलब फ्लोटिंग में गया था। तो ऐसा ऐसा स्क्रीनशॉट मेरे पास आया जो कि मैंने टेलीग्राम पे दिया कि सर बेकार रोबोट है, कुछ नहीं है, ये $200 क्यों देंगे हम, आपका अकाउंट तो वॉश 100% होगा। उसके अगले ही दिन जब फ्लोटिंग था शायद $20-25, $30, मतलब सारा का सारा रिकवर कर गया, रोबो नहीं किया हमने, कुछ सिंगल ट्रेड नहीं मारा, और ये अकाउंट का पासवर्ड काफ़ी मतलब 500-600 लोगों के पास है, तो काफ़ी लोग तो ये हैरान भी हो गए और काफ़ी लोग अप्रिशिएट के भी किए कि बहुत ही अच्छे तरीके से ये रिकवर किए। तो उन लोगों के लिए जवाब है जो कि मतलब सब कुछ ही जो उनको लगता है कि बेकार ही है, तो बेकार नहीं है, यहाँ पे पैसा लोगों का पड़ा हुआ है। हम मिनिमम जो है $500 से जो है रोबो को स्टार्ट करने के लिए कहते हैं, तो $500 मतलब 40,000, 40,000 मामूली चीज़ नहीं है, और वो लोग ही ज़्यादा कहते हैं जिनके जो इसके अंदर आते ही नहीं है, मतलब जिनका इसके अंदर पैसा ही नहीं है वो लोग ही ज़्यादा। तो चलिए, ये तो मार्केट है, होता रहेगा। तो चलिए मैं एक महीने का एक कैलकुलेशन दे देता हूँ, और मैं ये भी आपको बिल्कुल याद रखूँ करवाऊँगा अगेन कि ये काफ़ी टाइम से बंद भी था, इवन 6-7-8-10 दिन से तो बंद ही था, और इवन गोल्ड भी नहीं चल रहा है, तो इनकम कैसे आएगा इतना बड़ा अकाउंट के ऊपर। ठीक है, पेयर भी छोटा छोटा पेयर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लगभग $1,000 का जो है प्रॉफिट हुआ है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो 5% का प्रॉफिट है। तो आप 5% मतलब लग सकता है कि काफ़ी कम है, लेकिन मेरे लिए बहुत ही सेटिस्फाइड ये अमाउंट है, और इसमें मैं जब गोल्ड लगाऊंगा या कुछ और पेयर लगाऊंगा तो आप देखेंगे इसका सेम थिंग 10-15% का एवरेज ये अकाउंट भी जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये मेरे को जो है आप लोगों के साथ कुछ जो है अकाउंट शो करना था जो कि मैंने आपको किया, और लास्ट में इतना ही कहूँगा, 2-3 मिनट बात करूँगा और 27 मिनट का वीडियो ऑलरेडी हो चुका है। तो दोस्तों, मैं इतना ही कहूँगा कि नेक्स्ट महीने से जो है हम लोग जो है अपना थोड़ा कुछ सर्विस जो है बढ़ा रहे हैं, इसलिए जो है हमने डिसीजन लिया है बहुत कुछ सोच समझ के, नेक्स्ट महीने से हम लोग जो है रोबो का प्राइस बढ़ाएंगे जो कि $300 होगा। VPS हमेशा याद रखिएगा, VPS आपका खुद का होता है, खुद का प्रॉपर्टी होता है, खुद का चीज़ रहता है। VPS हम प्रोवाइड करते हैं उन लोगों को जो लोग हमारे साथ रोबो बाय करते हैं, जिनको पता ही नहीं है उन लोगों को हम बाय करके ID पासवर्ड वगैरह शेयर कर देते हैं। और हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि VPS जब हम बाय करके आपको
बाई करके जो है हमको आपको देते हैं। बीपीएस का एक महीना होता है, सब्सक्रिप्शन लेते हैं 3 महीना 4 महीना 6 महीने के, तो जनरल तो हम लोग 6 महीने के लेके देते हैं। तो आपको वो याद रखना होगा कि आपने किस दिन परचेज किया था और किस दिन जो है वो एक्सपायर करने वाला है, तो उससे 6-7 दिन पहले ही आप उसको जो है रिन्यूअल कर लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, ताकि आपका रोबो चले। क्योंकि वीपीएस अगर एक्सपायर हो जाएगा तो सर आपका ट्रेडिंग बंद हो जाएगा, उसमें फ्लोटिंग बहुत ज़्यादा जा सकता है, क्योंकि वो एवरेज नहीं करेगा, ना ही हेजिंग करेगा, ना ही कुछ करेगा, तो डेफिनेटली आपका अकाउंट में बहुत नुकसान दिखा सकता है, ये चीज़ ध्यान में रखिए। अगर दोस्तों लास्ट में इतना ही कहूँगा, काफ़ी मज़ा आ रहा है इसलिए मैं ज़्यादा कुछ दूसरे जगह पर फोकस ही नहीं कर रहा हूँ, जहाँ पर इतना अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि मेरे को अलग 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 सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। मैं जो है सेल्फ ट्रेडिंग करता हूं क्रिप्टो करेंसी के अंदर काफी सालों से, और उसका अलग से ग्रुप भी है, जैसे कि आप लोगों को पता है वो टेलीग्राम के ऊपर मैं सिग्नल्स वगैरह प्रोवाइड करता हूं, वो एक अलग टॉपिक है, बस मेरा काम वही है। और ये जो हमने रोबो ट्रेडिंग सर्विस स्टार्ट किया वो जो कि 6 महीने से चल रहा है, काफी अच्छा, काफी ब्यूटीफुल, काफी पैशनेट होकर हम लोग जो है इसमें काम कर रहे हैं। क्योंकि डेली जब सुबह उठते हैं या जब भी मोबाइल ओपन करते हैं तो कुछ डॉलर जब अपने अकाउंट में दिखता है तो उसका जो है अलग ही एक फेस है, ठीक है। तो लेकिन इस मार्केट में काफ़ी रिस्क भी है, डिस्क्लेमर के साथ जो है ये वीडियो मैं ख़त्म करूंगा। रिस्क है, रिस्क को समझ के आइएगा, यहाँ पे कोई भी पैसे का आपका गारंटी वारंटी कोई नहीं ले रहा है, ठीक है। तो बस वीडियो तो दोस्तों इतना ही था, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा और कमेंट कीजिएगा कुछ भी, अगर आपका सजेशन हो कुछ भी आप कहना चाहते हो, और सारा का सारा कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वीडियो के नीचे है। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, उम्मीद करते कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।